जंगल। सिवान में मुफस्सिल थाना इलाके के ऑफिसर कॉलोनी स्थित दिन दहाड़े जज के घर में चोरी कर ली गई। बताते चले कि आवास नंबर C11 में न्यायिक दंडाधिकारी सह प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार का पूरा परिवार रहता था और परिवार कहीं गया हुआ था और जज साहब जो थे ये अपने ड्यूटी पे गए हुए थे और इसी बीच चोरों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लाखों रुपए नगद और ज्वेलरी सहित कई सामान भी लेकर चलते बने। सिवान के SP को मिली। सिवान के SP ऑफिसर कॉलोनी में पहुंचे और मौजूद गेटमैन को बुला करके और जमकर क्लास किया। SP ने कहा कि किस तरह की वहां पर पहरेदारी चल रही थी कि चोरों ने एक जज के घर में जाकर के और इस तरह की चोरी जैसी वारदात को अंजाम देने का काम किया। हालांकि SP इस पूरे मामले के बाद काफ़ी कड़े तेवर में दिखते नज़र आए और उन्होंने गार्ड को यह निर्देश दिया कि हर हाल में जो गेट है वो खुले रहना चाहिए, जो भी लोग अगर इस ऑफिसर्स कॉलोनी में आ रहे हैं उनकी एंट्री भी होनी चाहिए। तो आपको बताते चले कि यह जिस तरह से सिवान में एक जज के घर में दिन दहाड़े चोरी की घटना को चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया, तो ऐसे में अब सिवान के लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस घटना के बाद सिवान के SP काफ़ी कड़े तेवर में दिखाई भी दे रहे हैं। ये हम तमाम तस्वीरें आपको सिवान के ऑफिसर्स कॉलोनी की दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद डॉग स्क्वाड की भी टीम आ रही है और उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार वो कौन चोर है और कितने सामानों की और कितने कैश रुपए की चोरी कर ली। ATN लाइव के लिए चंदन कुमार सिवान। हम उनका काम लेंगे तो उनको कॉलोनी वाला कोई नहीं पता नहीं आएगा।